हेलो एवरीवन, आई एम अनुज, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, लेट्स डू इट टुगेदर। तो कल मैंने, आज 11 तारीख हो रखी है और सुबह के शायद 5 बज रहा है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि अभी तक रिव्यू क्यों नहीं आया है, वो इसलिए क्योंकि पेपर कानपुर में था मेरा, है ना। मैं लखनऊ में रहता हूँ और कानपुर यहाँ से करीबन करीबन 100 किलोमीटर दूर है, और जहाँ पेपर था वो मान सकते हो 150 किलोमीटर दूर थे। ठीक है, तो चलो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे कि वीडियो क्यों लेट हुई। सबसे पहले रिव्यू पे आते हैं, है ना। तो आरआरबी पीओ मेंस का पेपर था 10 तारीख को, 10 सितंबर को, और एक ही शिफ्ट में पेपर होता है मेंस का, होता है आरआरबी पीओ का, और कुछ क्लर्क लेवल के पेपर होते हैं जो होते हैं दो शिफ्ट में। ठीक है, तो क्या आया था? रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीए, है ना। ये 5 सब्जेक्ट आते हैं इसमें। तो रीजनिंग आप लोग जानते हो, मैं रीजनिंग का पूरा अच्छे से रिव्यू दे पाऊंगा क्योंकि मेरा रीजनिंग ही स्ट्रांग है। मैथ का भी दूंगा, लेकिन मैथ मैंने ज़्यादा करा नहीं है, और आप तक तो पता चल ही गया होगा कि हाँ मैथ का लेवल कैसा आया था। तो हम लोग रीजनिंग पे आते हैं। सबसे पहले रीजनिंग में ये कहूँगा कि हाँ, मुझे मैंने एक बार बस इस आरआरबी पीओ दिया है मेंस, और वो जब मेरा फर्स्ट टाइम निकला था तब की बात है, एक साल पहले की बात है, पिछली बार नहीं निकला था। तब मैंने फर्स्ट टाइम किया था, तब तो मुझे बहुत टफ मतलब हाई लेवल लगा था, क्योंकि मैं तब शायद 24 क्वेश्चन करे थे जिसमें मेरे 18 मार्क्स आए थे। ठीक है, तब मतलब लेवल मुझे लगा था कि हाँ काफ़ी हाई होता है शायद आरआरबी पीओ का भी। लेकिन इस बार मैंने दिया है पेपर, हो सकता है कि पेपर का लेवल गिरा दिया है क्योंकि कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाने लगी हैं अब, तो इतना हाई लेवल लगा नहीं मुझे रीजनिंग, है ना। स्पेशली रीजनिंग बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पॉइंटेड कर रहा हूँ, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि मेरा रीजनिंग स्ट्रांग है इसलिए मुझे ज़्यादा हाई लेवल लगा नहीं वो, लेकिन इतना हाई लेवल मुझे लगा नहीं रीजनिंग, है ना। और मैंने शायद 40 शुरुआत से मैंने रीजनिंग करा था, शुरुआत की मैंने 40 मिनट्स में रीजनिंग कर लिया था, है ना, मुझे अच्छी तरह याद है। 120 मिनट से स्टार्ट होता है, जब 80 मिनट आने वाला था तो मेरा अप्रॉक्स रीजनिंग पूरा हो गया था, बस एक पजल रह गई थी, वो भी आपको पता है कौन सी रह गई थी, बताने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आया क्या रीजनिंग में, रीजनिंग में मैंने पहली तो पजल थी, है ना, ऑब्वियसली उसको छोड़ना था। फिर स्लॉक्स देखा मैंने, स्लॉक्स थे 3 या 4 स्लॉक्स थे, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, मैं लिख के भी नहीं ला पाया, 3 या 4 स्लॉक्स थे। तो उसमें से शायद एक स्लॉक ऐसा था और डिस्टेंस इंटरेक्शन का क्वेश्चन था, वो कुछ ऐसा बना मेरा, आप लोग जूम करके पता कर लेना कि यही क्वेश्चन की नहीं है, डेटा वेटा सब कुछ ऐसा ही है। और ए ए और एल के बीच में डिस्टेंस पूछा था, वो 3 आ रहा था, है ना, एक और ये 2 3 आ रहा था, मतलब अच्छी तरह ये बन गया था। 2 पर्सन की बात करी जा रही थी, उन 2 पर्सन को अलग अलग, दो या दो नहीं एक ही पर्सन की बात करी जा रही थी, वो ए से पहले बी गया 10 10 मीटर, फिर बी से सी गया 8 6 ऐसे करके, फिर ये वाला गैप जो है 15 का है, है ना। मैं 8 और 7 को तोड़ के लिख लेता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे बाकी आगे चीजें करने में, तो एक ईजी लगा मुझे। इसमें एक ऑडमन फाइंड आउट करना था जिसमें सारी डायरेक्शन ऐसी जा रही थी, एक डायरेक्शन कुछ ऐसे करके था, वही ऑडमन आउट था। ठीक है, ये डिस्टेंस इंडक्शन का ईजी था, मान के चलो इसमें 2 मिनट लग रहा था बस, है ना, ऑब्वियसली पेपर का प्रेशर होता है और उसमें टाइम तो बहुत तेज चलता है, इसलिए 2 मिनट में कह रहा हूँ। ठीक है, एक ब्लड रिलेशन था भाई इसमें, तो मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि मेरा ब्लड रिलेशन पूरा बन गया था, अच्छी तरह बन गया था, है ना, एक ही लाइन की, ये सब वन लाइनर है, इसमें शायद 2 से 3 क्वेश्चन थे लेकिन ये वन लाइनर है, ब्लड रिलेशन वन लाइनर। इसका आंसर CNT काफी लोगों ने लगाया है और मेरे कुछ जानने वाले ने लगाया, मतलब जिन पर भरोसा कर सकता हूँ, है ना, कि वो हाँ उन्होंने सोच समझ के ठीक ठाक लगाया होगा, और जो मेरे आसपास बैठे थे उन्होंने भी CNT लगाया है। CNT क्यों लगाया है? क्योंकि बाकी सारे जो ऑप्शन थे वो मैच ही नहीं कर रहे थे, है ना। उसमें रिलेशन पूछा था शायद जी और एच के बीच में, जी जो थी वो ग्रैंड मदर थी एच की, है ना, अब ग्रैंड मदर ऑप्शन में था ही नहीं, आंट था, मदर इन लॉ था और ग्रैंड डॉटर भी था यहाँ तक, है ना, उसमें लेकिन साफ साफ बोल रखा था जी का एच से रिलेशन पूछा था, जी का रिलेशन एच के साथ, तो हमें जी का रिलेशन बताना था। उसमें कुछ था CNT दे रखा था फर्स्ट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन थे कुछ आंट, है ना, मदर इन लॉ, ग्रैंड डॉटर, कुछ और भी था, लेकिन अब मेरे को ध्यान नहीं आया, बार बार उसमें कभी, इसको मैंने 2 3 बार चेक करा है ना, बताना कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कराया कि नहीं कराया, मैंने तो 2 3 बार चेक कराया, लेकिन इसका आंसर CNT लोगों ने लगाया है। लॉजिक इसका ये है कि देखो बाकी सारे तो ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन उसमें से कोई आंसर है नहीं, बचा हुआ CNT वही हम लगा सकते हैं, और मे बी ऐसा हो सकता है कि मैटरनल ग्रैंड मदर या फिर पैटर्नल ग्रैंड मदर
ये चीज हो सकता है कि हाँ हमें पता नहीं है कौन सी ग्रैंड मदर है, लेकिन मेरा शायद डायग्राम बन रहा था उसमें पता चल रहा था कि हाँ वो शायद बेटी की मतलब मैटरनल है ना। चलो ठीक है, सीएनडी काफी लोगों ने लगाया, अगर आपने सीएनडी लगाया तो हाँ बच सकते हो, आपके मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि मैंने तो सिर्फ स्किप करा है कि नहीं, मुझे अपनी फुल एक्यूरेसी चाहिए थी इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया, लेकिन टाइम वेस्ट इसने कराया मेरा। फिर आते हैं और क्वेश्चन थे, छोटे 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 और क्वेश्चन थे, वन लाइनर मैं ज्यादा याद नहीं है मुझे, एक वन लाइनर याद है जिसमें 19 मेंबर आ रहे थे, ये पजल बनानी थी आपको, मैं इसका एक आंसर देना था, ठीक है, ये भी वन लाइनर पजल थी, ठीक है। उसके बाद मैच कर सकते हो, यही है, 19 लोग बैठे थे, इसकी दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, दोनों पॉसिबिलिटी हटा के ये पॉसिबिलिटी बनी है मेरी, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग पजल पे, पजल का लेवल मैंने बताया ना, SBI और IBPS PO प्री का लेवल था, और कह सकते हो आप कि 10% या फिर 20% ऊपर था, है ना, ये आप कह सकते हो कि 10-20% ऊपर था इनके लेवल से, है ना, मतलब इनका लेवल अगर 100 होता है तो इनका RIBPO का लेवल 120% है, ऐसा कह सकते हो। पजल मुझे उसी टाइप में लगी, ज्यादा जैसे देखो मॉक में जैसे आपने पजल करी है ना, वो पजल तो बिल्कुल नहीं आई है ना, इतनी हार्ड नहीं आई है, मॉक में तो मैंने काफी हार्ड हार्ड पजल लगाई है, और तीन तीन ऑब्जेक्ट्स की पजल लगाई है, लेकिन तीन ऑब्जेक्ट पजल आई ही नहीं है ना, मैक्सिमम दो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे, दो ऑब्जेक्ट है, मतलब एक ये बंदा बैठा है, उसके कुछ नंबर्स गिवन है, ये एक पजल थी, लीनियर वे में पजल थी, सब लोग नॉर्थ ही देख रहे थे, कुछ बोला भी नहीं था कि नॉर्थ और साउथ देख रहे हैं, मतलब भटकाने के लिए ट्राई भी नहीं करा उसने। एक पजल ये थी बॉक्स वाली, इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही थी, इसमें कुछ लोग बैठे हैं, ये भी बोल रखा है कि जो कॉर्नर बैठे हैं वो इनसाइड और इसके मिडिल में बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, और उनको अलग अलग टाइप के पेपर पसंद है, पेपर है ना, पेपर, किसी को ट्रेसिंग पेपर पसंद है, हाँ ये ट्रेसिंग पेपर है, मैं भूल गया था, ये ट्रेसिंग पेपर है, किसी को वैक्स पसंद है, किसी को टिश्यू पेपर पसंद है, बॉन्ड लेड और पता नहीं क्या क्या नाम थे, और ये कुछ पजल बन रही थी, मेरी सिटिंग ऐसी बन रही थी, HCDAGEFB, है ना, मैं मैच भी कर रहा था, एक एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपको ये दे रखा था ऑड वन आउट फाइंड आउट करना था, उसमें मेरी मैच हो गई थी पजल कि ई के सामने सी बैठा है, ऐसे ऐसे करके बैठा है, और ई और एच का एक कॉम्बिनेशन आया था, वो हमारा ऑड वन आउट था, क्योंकि वो आमने सामने नहीं बैठा है ना, तो ये पजल भी हमारी बन गई थी, इजी लगी थी मुझे, है ना, लेकिन देखो मैं टाइम ले रहा था, इजी मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं टाइम पता है लगभग लगभग 5 मिनट हर पजल में ले रहा था, 5 से 6 मिनट ले रहा था, पता नहीं क्यों, या तो मैं अपने आप को कंफर्म करना चाहता कि हाँ मैंने जो बनाया वो सही बनाया, क्योंकि मैं स्पीड अपनी तेज कर सकता था, लेकिन मैं अपनी स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी नहीं खोना चाहता था, इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा है बाद में, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बचा था। फिर एक पजल ये थी जिसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दे रखा था, और 7 और 28 दे लोग दे रखे थे, इसमें अलग अलग उनको सब्जेक्ट्स पसंद थे, और ऐसे कुछ पजल दे रखा था, पहली स्टेटमेंट थी कि ई जो है वो ऑड में नहीं, ऑड नंबर मंथ में नहीं बैठेगा, लेकिन ऑड नंबर डेट पे है, तो ई कहीं पे है ना 31 से लेस बोला था, है ना 31 से लेस बोला था, और ऑड नंबर पे बैठा था, ई के लिए दो पॉसिबिलिटी थी, एक ई यहाँ पे बन रहा था, एक एक ई यहाँ बन रहा था, ठीक है, और कुछ पजल ऐसी बन रही थी, आप मिला लेना FGDA, क्योंकि एक एक क्वेश्चन हमेशा आता है ना, मैंने बोला था कि आप अगर ऑप्शन देखोगे तो आपकी काफी हेल्प करेगा रीजन सॉल्व करने में, क्योंकि ऑप्शन सबसे बेस्ट होते हैं कि जज करने में कि आपने पजल सही बनाई कि नहीं बनाई। इसमें भी वही क्वेश्चन आया था कि ऑड आउट फाइंड आउट करना था, उसमें सारे जो ऑप्शन थे वो म्यूजिक था, जी था, डी था, ई था, एक ऑप्शन था एच, एच था, या फिर कुछ इन इन इस लाइन में कोई एक था, या फिर बिजनेस हो सकता है, तो वो ऑड आउट फाइंड आउट हो गया कैसे, सारी सारी जो बाकी चार थे वो 7 के टर्म में थे, मतलब 7 के डेट में थे, बाकी फिर 1 28 में था, तो वो ऑड आउट फाइंड आउट हो गया। यही 3 पजल मुझे याद है, इससे ज्यादा हो सकती है, एक पजल जो थी वो मैंने अभी बाद में डिस्कस करूंगा, है ना, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है कि यही 3 पजल थी कि इससे भी एक ज्यादा हो सकती है ना, लेकिन हाँ देखो अगर पेपर का पैटर्न देखा जाए और कंटेंट देखा जाए तो वही आप कहोगे कि हाँ रीजनिंग का जो कंटेंट है वो काफी आपको दिखने में तो काफी कम लग रहा है, या तो मैं जितना मुझे याद है उतना ही मैं लिख के आया हूँ, और बाकी स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो तो मैं स्किप करता हूँ, आपको पता ही है वो मैंने सारे स्किप कर दिए, तो रीजनिंग में जो मैंने टोटल अटेम्प्ट करा है अगर वो पजल बन जाती लास्ट वाली, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताता हूँ मैंने कितने अटेम्प्ट करे रीजनिंग में। तो हुआ क्या था, जो लास्ट पजल थी उस पर भी मैंने 4 से 5 मिनट वेस्ट करा है, और फिर बाद में आके भी 3 मिनट कम से कम वेस्ट करा है, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या था कि दे रखे थे 3 सिटीज दे रखे थे, बोला था खास तौर से कि 2 बैठेंगे या 3 बैठेंगे, है ना, मोर देन 2 और लेस देन 3, ऐसे दे रखा था, बार्सिलोना था एक सिटी और
ऐसे करके नाम थे, है ना। और बोल दो स्टेटमेंट काफी लोगों को खराब लग रहा है कि एक तो बोल रखी थी एफ जो है वो ओनली वन पर्सन के साथ बैठा है, तो हमें पता चल गया कि कैसे बैठेंगे इसमें, एक दो तीन, एक दो तीन, है ना, तीन और तीन छह और दो आठ, आठ लोग बैठा लेने थे। एफ एक के साथ बैठेगा तो ये तो कंफर्म होगा कि एफ एक ही के साथ बैठेगा, उसको कुछ स्विमिंग पसंद थी, है ना। अब यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, अब मुझे बहुत ध्यान से याद नहीं आ रहा है, ई के साथ या फिर ई ई जिस पे बैठा है, जिस पोजीशन पे बैठा है, जिन लोगों के साथ बैठा है वो इवन नंबर में थे। अब ई के साथ इवन नंबर क्या होता है, ई के साथ इवन नंबर मतलब ई के साथ कोई एक बंदा होगा, ये दो बंदे मिला के दो बंदा हो गया, ये इवन नंबर हो गया। इस हिसाब से ई को एफ के साथ बैठना चाहिए था मेरे हिसाब से, जो जितना मैंने दिमाग लगाया था, ठीक है। पर ऐसा करके पजल बन तो रही थी, लेकिन पहला जो क्वेश्चन था उसमें दे रखा था कि ई के साथ कौन बैठा है, और ई के साथ ऐसा करके क्विमिंग करके कुछ पर्सन को लाइक कर रहा था वो चीज, तो जितने ऑप्शन दे रखे थे उसमें था ही नहीं, कोई ऑप्शन था ही नहीं। मुझे लगा वापस से सीएनडी वाला कुछ है, नन ऑफ दीज आ सकता है इसमें ऑप्शन, लेकिन और उसमें ऑप्शन थे ही नहीं, सी था, एच था, जी था, किसी को और भी कोई स्पोर्ट्स था, ड्राइविंग था, है ना, ड्राइविंग था ऑप्शन में, लेकिन एफ तो था ही नहीं। तो मुझे समझ में आ गया कि मैंने पजल कहीं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं बार बार पढ़ रहा था, वो वही चीज आ रही थी कि ई के साथ कोई एक बंदा बैठेगा, या मतलब ई इवन नंबर बैठेगा, या तो ये हो सकता है ई के साथ जो बैठेंगे दो लोग बैठेंगे वो हो जाएंगे इवन नंबर। ये मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है, ये मैंने बाद में नोटिस करा जब किसी ने मुझे बताया, है ना। तो इस कारण ये पजल बनने में काफी टाइम लगा, और मैंने बनी भी नहीं है ना, पजल बनी भी नहीं है। अगर ये पजल बन जाती तो मेरे कुछ 33 अटेम्प्ट, 34 अटेम्प्ट होता, अगर इसमें पांच क्वेश्चन होते तो मेरे अटेम्प्ट है 29 रीजनिंग में, तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट हुए 29। तो ये कुछ रीजनिंग का पेपर था, आई होप कि मैंने सारे इंफॉर्मेशन मतलब 90% तो बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मैंने यही करके आया हूँ, ये पजल जो नहीं बन पाई मैंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में अगर आपकी पजल बन गई है कि नहीं बनी है, और बस ये बता देना कि हाँ ई के साथ एक बंदा बैठेगा या फिर ई के साथ दो बंदे बैठेंगे। अगर दो बंदे बैठेंगे हाँ तो ऑब्वियसली पजल बन जाएगी, है ना। अगर ई के साथ दो बंदे बैठेंगे तो हाँ बन सकती थी, क्योंकि बी के साथ बी बी कुछ लाइक करता है बी, लेकिन बी बार्सिलोना में नहीं है तो बी कहीं और था, और हाँ बन जाती, मतलब पजल बन जाती अच्छे खासे से बन जाती। लेकिन वही है कि ये चीज ऑनगोइंग पेपर मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ, ध्यान देता तो मे भी बन जाते और अच्छे खासे अटेम्प्ट हो जाते, क्योंकि मुझे नहीं लगता किसी ने 30 से ज्यादा अटेम्प्ट करे होंगे, क्योंकि सबकी पजल यही अटकी है ना, 30 अटेम्प्ट करे हैं काफी लोगों ने, मैं जानने वाले ने 30 अटेम्प्ट करे हैं, और बाकी ये वाला क्वेश्चन स्किप कर दिया, इसको कर दिया होता तो इसको भी 30 हो जाते। अब आते हैं मैथ में, मैथ में देखो यार बिल्कुल मैथ अगर करता तो मैं उससे हो जाती, लेकिन ये है कि टाइम वेस्टिंग है ना, टाइम वेस्ट मेरा बहुत कराता मैथ। और जब मेरे 50 मिनट बचे थे, मतलब मैंने जब 40 मिनट बचे थे, 80 80 हो गया था, 80 से 30 है ना, 30 मान के चलो या तो 25 मिनट मान के चलो, मैंने मैथ को दिए, लेकिन मैथ में ज्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाया, सब कुछ रेड 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 हो गया, रेड रेड मतलब सारे मैंने अटेम्प्ट तो विजिट कर लिए लेकिन मैंने अटेम्प्ट कोई नहीं करा। कुछ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं, जैसे इनक्वालिटी हो गया, और वर्ड प्रॉब्लम वाले कुछ क्वेश्चन हो गए, या फिर स्टेटमेंट वाले कुछ एक क्वेश्चन हो गया, वो करा है मैंने। लास्ट की एक डीआई मैंने करी है, लास्ट की डीआई काफी ईजी थी, वो मैंने कर दी थी, इसमें एक पाई चार्ट था और उसमें बॉयज एंड गर्ल्स का डेटा दे रखा था कंबाइंड, और उसमें ये क्लासेस थे शायद, है ना, 1 ABCDE क्लासेस थे, ABCDE क्लासेस थे, और फिर उसके बाद बी बॉयज का डेटा दे रखा था परसेंटेज में, कि बॉयज किस क्लास में कितने हैं, 15% किसी में, 20% किसी में, 25% किसी में, है ना, 10% ऐसे करके दे रखा था। तो बॉयज का डेटा यहाँ से निकला था, बॉयज एंड गर्ल्स का डेटा यहाँ से निकला था ऐसे करके कंबाइंड, है ना, और फिर इसमें से परसेंटेज बी बॉयज का परसेंटेज इतना बचा हुआ है जी, है ना, बॉयज का परसेंटेज इतना बचा हुआ जी गर्ल्स का डेटा। तो ये डीआई लास्ट एकदम लास्ट वाली डीआई थी, अगर किसी ने करी हो तो बताना, इजी थी। एक और डीआई थी जिसमें एक्स प्लस वाई का टर्म में कुछ था और यहाँ पे डेटा दे रखा था, ये भी डीआई इजी थी, मैंने बना ली थी लेकिन मैंने कर नहीं पाया हूँ, अटेम्प्ट नहीं कर पाया था। क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन ऑब्वियसली बड़े बड़े थे क्वेश्चन इसमें, अगर मैंने करे हैं तो सिर्फ 4 क्वेश्चन करे हैं, अगर इसमें 5 या 6 क्वेश्चन थे तो मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, है ना। एक कॉस्ट वाली डी आई थी जिसमें शॉप ए शॉप बी, ये केसलेट डी आई थी, ये भी बन रही थी, क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन बात यहां पर अटक रही थी, सबके जो चीज थी वो एक्स और वाई थी। एक पार्टनर का क्वेश्चन आया था जिसमें एक्स -1200 था, एक एक्स प्लस 1800 था,
ठीक है, इनका कुछ डेटा गिवन था है ना, आपको एक्स की एक्स नहीं, इनका इन्वेस्टमेंट निकालना था, टोटल इन्वेस्टमेंट निकालना था, मेरा 6600 आ रहा था है ना, और कैसे आ रहा था ये सर, ये एक्स मेरा शायद 3000 आ रहा था, 3000 माइनस 1200 करेंगे तो 18, 3000 में प्लस करेंगे तो 48, और 48 प्लस 18 66 है ना, कुछ ऐसे करके। अब मैं बता रहा हूँ ना कि जितने भी डेटा थे वो एक्स के टर्म में थे, एक्स या वाई के टर्म में थे, अगर कोई भी चीज दे रखी है ना तो एक्स और वाई के टर्म में दे रखी है, पूरा नहीं दे रखा है, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग था मैथ, वरना मैथ हो सकता था। अगर जैसे अगर टाइम दे दिया जाए ना आपको, तो आप सारे में से मिलकर कम से कम 30 क्वेश्चन तो आप सब में कर ही लोगे है ना, 40 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 30 आप कर लोगे, लेकिन मैंने करे हैं 11, मुझसे 11 ही हो पाए, और मैंने मुझसे 11 से ज्यादा हो जाते, लेकिन यही है कि अगर मैं इसमें टाइम देता तो बाकी सारे सेक्शन में अटेम्प्ट नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने रीजनिंग में ज्यादा टाइम दे दिया, और मैंने बताया ना इस पजल में मैंने काफी टाइम वेस्ट हो गया, तो मैथ में मेरे 11 अटेम्प्ट हुए। फिर मैंने इंग्लिश करा था, नहीं फिर मैंने कंप्यूटर करा था और जीए करा था, कंप्यूटर तो काफी इजी इजी लगी थी मुझे, हेक्सा 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 डेसिमल और ऑक्टा ऑक्टा डेसिमल की चीज आई थी, ऑक्टा मतलब 8, हेक्सा मतलब 16 है ना, और भी चीजें आई थी काफी इजी थी, और मैंने शायद इसमें 24 क्वेश्चन करे हैं, और जीए जीए तो जो मैंने पढ़ा है ना, प्रोजेक्ट वेव है ना, बताना आप, प्रोजेक्ट वेव हो गया, जितनी बैंकिंग की न्यूज होती है, और सोलर पैनल कौन सी बैंक इंट्रोड्यूस करवा रही लगवा रही है, या फिर बजट है ना, वो ईडीबी ने कितना लोन दिया रोड सेफ्टी के लिए बांग्लादेश को, और एनपीसीआई है ना, और यूपीआई है ना, यूपीआई कहाँ पे कौन सी कंट्री हमारे साथ यूपीआई का ट्रांजेक्शन करना चाहती है, फिर कर रही है, और हम लोग डॉलर को मतलब डॉलर का यूज कम कर रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, कोई न्यूज, इनमें से कोई न्यूज बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी न्यूज नहीं आई, पता नहीं, हर बार ये होता है। मेंस के काफी पेपर दिए हैं मैंने लास्ट ईयर भी, दो दो पेपर तीन पेपर दिए हैं मैंने मेंस के, जब भी मैं कोई अपना पढ़ के जाता हूँ उसमें से कुछ भी नहीं आता, पता नहीं क्या होता है। और इस बार तो जीए का लोग बता रहे हैं पैटर्न, ये पैटर्न तो यूपीएससी वाला पैटर्न था, कि बोल रखा था कि यहाँ 4 ऑप्शन थे ठीक है, एक में था ऑल ऑफ दीज ऑप्शन, एक में था उस नाम दे रखे थे, ऐसी हर चीज में ऐसी दे रखा था, तो काफी अलग जीए आया था इसमें। मैं वही बता रहा हूँ ना, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस कुछ भी नहीं आया, कोई भी डेटा डेटा जितना है ना, जो डेटा पढ़ के गए होंगे है ना, कि अपना फोरकास्ट बताओ, अपनी जीडीपी की फोरकास्ट करो, जीडीपी दिखाओ, तो कोई भी डेटा नहीं आया, वो तो शायद 2 साल से नहीं आ रहा है। अब मुझे लगता है कराना भी मतलब टीचर्स को या फिर यूट्यूब पर कराना ही छोड़ देना चाहिए, या फिर पैटर्न ही बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये ना कि कुछ छोड़ भी दोगे तो फिर भी बच्चे कह देंगे कि आपने ये करवाया नहीं, यही आ गया है ना, वही बता रहा हूँ, अनप्रेडिक्टेड जीए आया था, पता ना आप लोग कमेंट बॉक्स में आपने जितना करा था उतना आया कि नहीं आया। मेरे हिसाब से तो ये जनरल जनरल अवेयरनेस है ना, करंट अफेयर नहीं बोलूंगा मैं से, जनरल अवेयरनेस बोलूंगा, जिसको जनरल नॉलेज थी उसके लिए काफी इजी होगा ये है ना, जो यूपीएससी वाली होते हैं ना पैटर्न होते हैं कि उनका जनरल अवेयरनेस काफी अच्छा होता है, जो आपको चीजें पता होनी चाहिए, हाँ करेंसी डॉलर से किसकी स्ट्रांग है, या फिर मतलब इंडियन करेंसी कैसे स्ट्रांग है, लीस्ट है, ऐसे करके कुछ दे रखा था, ये सब वही चीजें होती हैं जनरल अवेयरनेस होती है, करंट अफेयर नहीं होता। करंट अफेयर था भाई कौन सी स्कीम लॉन्च करी गई थी है ना, एक महिला सम्मान निधि, ऐसा महिला सम्मान निधि भी ऐसे क्वेश्चन आया था, तो इसमें भी जो बचे क्वेश्चन वो यही होंगे। इंग्लिश में बता देता हूँ, इंग्लिश मुझे काफी ईजी लगी इसकी, और 2 आरसी को छोड़कर, मतलब आरसी थोड़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा था, लास्ट वाली आरसी समझ में नहीं आई, पहली वाली तो ठीक ठाक थी क्योंकि पहली वाली डेटा ओरिएंटेड थी, लास्ट वाली तो उसमें पढ़ना पड़ता, तो मैंने आरसी मतलब ये इंग्लिश में 32 अटेम्प्ट करे, हाँ कुछ कह सकते हो कुछ ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए मैंने, क्योंकि मेरी लिमिट इतनी है नहीं अच्छे से, तो मैंने 32 अटेम्प्ट करे, और जो मैं सोच के गया था कि हाँ मैं ये रीजनिंग और इनको मिला के 50 क्वेश्चन करूंगा, बाकी सब मैं 50 क्वेश्चन करूंगा, मतलब ऐसा मेरा रेशियो रहेगा, लेकिन रीजनिंग में देखो हो नहीं पाया, मतलब इन रीजनिंग और मैथ मिला के हो नहीं पाया, अगर इसमें कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ज्यादा हो जाते तो अच्छा खासा मेरा वेटेज था, लेकिन मैंने इसमें 40 क्वेश्चन करें, बाकी मैंने इसमें करें, तो मुझे 40 मार्क्स का भरोसा है बस, मतलब 40 से 50 मार्क्स का भरोसा है कि हाँ इतना तो आ जाना चाहिए मेरा, ठीक है बाकी सब देखते हैं। ये जीए का कोई भरोसा नहीं होता है ना भाई, जीए का कोई भरोसा नहीं होता, कंप्यूटर का भी हाँ गलती गलत हो सकते हैं है ना, मार्क करके तो आ गया हूँ, बाकी इंग्लिश इंग्लिश ईजी लगी थी मुझे है ना, इंग्लिश ईजी लगी थी, आप लोग बताना आपको कैसी लगी। वर्ड स्वाइप आए थे, फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे आए थे कि आपको देखते पता चल रहा था कि हाँ एलिमिनेट कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, ऐसे थे क्वेश्चन थे, और वर्ड रिप्लेसमेंट थी वो भी काफी इजी थी, एरर डिटेक्शन मैंने छोड़ दिया ना, जानते हो एरर डिटेक्शन छोड़ दिया, लेकिन एरर डिटेक्शन भी ज्यादा नहीं थे, एक दो क्वेश्चन थे शायद, और फिर आरसी था एक, हाँ एक रीअरेंजमेंट था, रीअरेंजमेंट मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मेरा सी से स्टार्ट हुआ था या फिर बी से स्टार्ट हुआ था,
ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी इजी था, ऐसा कुछ ज्यादा खास था नहीं, बस दो में कंफ्यूजन था, लास्ट के दो में कंफ्यूजन था, लास्ट में शायद डी आ रहा था, बीच में, हाँ बीच में ए और बी में, बीच में ए और बी में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो वही थोड़ा एक गलती हो सकती है, मैंने पांच करें तो पांच में से तीन तो सही हो सकते हैं, बाकी अब देखते हैं कैसा है। और मान के चलोगे कि पेपर का लेवल कैसा था, पेपर का लेवल, अब पेपर का लेवल वही बता पाएगा जिसने पिछली बार भी मेंस दिया हो, है ना, पिछली बार भी मेंस दिया हो तो वो उसी के हिसाब से बता पाएगा कि कैसा लेवल आया था, लेकिन जैसा मैंने जानता हूँ आरआरबी पीओ का लेवल, मुझे लगा था कि हाँ ये मॉडरेट लेवल है, क्योंकि मैंने, मेरा कुल टोटल अटेम्प्ट हो गया था मेरा 128, 128 अटेम्प्ट है, 128 में से 40 आप निकाल दोगे तो कितना बचा, 88, 88 अटेम्प्ट जो होते हैं ये टुक टुक वाले अटेम्प्ट होते हैं ना, इनको मैं टुक टुक वाले अटेम्प्ट मानता हूँ, तो वही देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, है ना। अब आरआरबी क्लर्क का पेपर है, आप आरआरबी क्लर्क जिनका इनका निकला है उनके लिए बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे दिमाग लगा लो कि क्या आपको बचाएगा, आपको सिर्फ ये बचाएगा रीजनिंग और मैथ बचाएगा, कुछ भी करके आपको अब इसमें से फुल आउट ऑफ फुल लाने ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेड है ना, इंग्लिश तो आप चलो ठीक है मान लोगे, लेकिन कंप्यूटर और जीए अनप्रिडिक्टेड, कोई कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा कि कैसा आ सकता है, तो जो आपको बचा, क्योंकि चलो ठीक है आरआरबी पीओ में तो क्या आएगी, हाँ भाई कट ऑफ कम चली जाएगी, लेकिन आरआरबी क्लर्क में कट ऑफ कम जाने वाली बिल्कुल नहीं है, ये अपने दिमाग से हटा देना, 120 से 140 क्वेश्चन का जिनका रेंज है विद एक्यूरेसी, ये मार्क्स बता रहा हूं मैं, इसके बीच में मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप अटेम्प्ट ज्यादा करते हो कम मार्क्स आते हैं, इसी की रेंज के अंदर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, चलो 110 ले लो, मैंने ज्यादा 120 ज्यादा अगर बोल भी दिए हैं तो 110 ले लो, है ना, ये मतलब ऑल ओवर है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कैटेगरी, और मैं जनरल ओबीसी के बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस का भी, है ना, उनका बाकी का नहीं बता रहा मैं, लेकिन सभी का यही हाल है ना, सभी का यही हाल है, बस पांच छह नंबर ऊपर नीचे होता है, लेकिन सभी का यही हाल है, 100 से तो ऊपर होना ही चाहिए, है, और 140 तो आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आपका बिल्कुल श्योर सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट, और यही मैं कहूंगा कि रीजनिंग और मैथ में ज्यादा फोकस करना, ट्राई करना कि 100 100 क्वेश्चन होते हैं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अभी भी, है ना, 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन आप कर लो रीजनिंग और मैथ मिलाकर, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करके, ठीक है, और इतना टाइम निकाल लेना कि बाकी सेक्शनल कट ऑफ सबकी निकल जाए, तो ये कुछ था मेरा एग्जाम रिव्यू आरबी पीओ का, और अब हम लोग तो मतलब मैं आईपीएस पीओ का तैयारी करते रहेंगे, अब वो आने वाला है, ठीक है, मेंस का मैं लगाऊंगा अभी मॉक टेस्ट, और जब उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो फिर प्री कराने लगेंगे, क्योंकि उसकी कट ऑफ 50 आती है ना, 50 मार्क्स ले आओगे आप, मुझे पता है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफी लंबी वीडियो हो गई है रिव्यू के लिए, और बता दूं, हाँ मैं बताने वाला था कि कानपुर में पेपर गया था, और कानपुर में जो जो एडमिट कार्ड दिख रहा है, जो जो मुझसे पूछ रहा था, और कानपुर में ऐसी जगह गया है कि भाई वहां पे ना एक भी मतलब वो होते हैं ना व्हीकल चलते हैं, सोशल टेम्पो एम्पो कुछ नहीं चल रहा, बस नहीं चल, बस एक इलेक्ट्रिक बस चल रही है, वो भी 10 10 30 30 मिनट के गैप में आ रही थी, ठीक है, हाथी हाथीपुर, हाथीपुर के आगे, और महाराजगंज शायद ऐसी नाम है, उसके बीच में पड़ा था मेरा, 1 एंड 2 करके नाम है, हाथीपुर ही उसका सेंटर का नाम है, आइडल जोन, और मैं कानपुर कैसे गया मैं बताता हूँ, कि लखनऊ मेरा है घर, तो मैं कानपुर क्यों गया, क्योंकि मैंने अपना जो प्रेफरेंस था वो प्री के लिए तो मैंने लखनऊ डाल दिया था, लेकिन मुझे मेंस के लिए मैंने कानपुर डाल दिया, वो भी क्योंकि मुझे लगा कि ये प्रेफरेंस पूछ रहा है, क्योंकि वो प्रेफरेंस नहीं पूछ रहा था, वो मेंस का वो पूछ रहा था, ऐसे हुआ है मेरे साथ, है ना, और मतलब मैं जब गया हूँ कानपुर, तब मुझे रियलिटी पता चली है कि लोग काफी दूर दूर से आते हैं भाई, मेरठ से लोग आ रहे हैं, है ना, मेरठ से आ रहे हैं लोग, नोएडा से आ रहे हैं, और वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, मतलब इतनी दूर दूर से, और रेगुलर मतलब हर बार जब भी उनको मेंस का पेपर देना होता है तो वो कानपुर ही आते हैं, है ना, मेंस का पेपर देना वो हमेशा कानपुर आते हैं, मैंने पूछा क्यों आपकी तरफ मेंस नहीं होता क्या, तो मुझे तो इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है, क्योंकि मैं रहता लखनऊ में, ज्यादा ज्यादा चीजें यहाँ पे मिल जाती हैं, तो मुझे हर हर चीज की नॉलेज थोड़ी कम है कि हाँ भाई कहाँ जब ये लोग पेपर देने, हर बार ट्रेवल करते हैं, कम से कम अपने सारे सारे लोगों के साथ ट्रेवल कर रहे थे, पूरा पूरा परिवार पेपर दिलाने आया था उनको, है ना, और ऐसा भी नहीं कोई व्हीकल लेके आए हैं, पूरा सब सवारी से आए थे, और उनकी ट्रेन व्रेन सब थी, और वो हर बार आते हैं, मैंने पूछा कि आपका जब भी मेंस होता है तब भी आते हो, तो कह रहा हाँ जब भी मेंस होता है हम लोग यहाँ कानपुर आते हैं, या फिर कोई नियरेस्ट सिटी, आगरा में भी कह रहे हैं सेंटर नहीं है मेंस के, आई डोंट नो, अगर हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, लेकिन काफी स्ट्रगल है यार, मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम मतलब ऐसे कानपुर में पेपर देने गया हूँ, वो भी मेंस का मतलब है ना, बैंकिंग मेंस का, क्योंकि एसएससी के पेपर इधर उधर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको मेरा मन इतना करता नहीं जाने का देने का,
लेकिन यार ये तो बहुत बड़ी बात है यार, इतना लोग दूर दूर से आते हैं। मे बी और भी सिटीज में, और भी राज्य में है ना, और क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं मेरे ग्रुप में काफी लोग जुड़े हैं, वो 100 100 किलोमीटर दूर जाते हैं है ना। एक तो साउथ के कुछ लोग हैं मेरे साथ, वो भी बहुत दूर दूर पेपर देने आते हैं, बताते हैं। लेकिन मुझे इतना दूर जाना नहीं पड़ता क्योंकि मेरा तो लखनऊ सिटी है। लेकिन मैंने देखा तो काफी वो लगा मेरे को कि हाँ भाई, स्ट्रगल तो काफी कर रहे हैं लोग। और बहुत बहुत सारे बच्चे थे उस वाले, जिस वाले मैं पेपर देने गया था, उसमें बहुत सारे बच्चे आए थे। तो वीडियो बस ये यहीं पे एंड करते हैं, और बताना आप लोग का कि आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा पेपर देने का, आपने कितने अटेम्प्ट करे। सेक्शनल बता पाओगे तो और अच्छी बात रहेगा है ना, टोटल बता दोगे तो और अच्छी बात है। और ये पजल कंफर्म करवा देना कि हाँ आपकी भी यही बन रही थी कि नहीं बन रही थी, कि या तो मेरी ही यही बन रही थी और मेरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई एक बार एक आध बंदा बोल देना कि हाँ मेरी भी ऐसी बनी है, तो मुझे थोड़ा सा सुकून होगा कि हाँ भाई शायद सही बनी है मेरी। ठीक है, बाकी मेरे तो कॉन्फिडेंस है कि हाँ यही बनी है क्योंकि मैंने पजल से मिला लिया था। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।